आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। पश्चिम बंगाल के मंत्री और टीएमसी नेता अखिल गिरी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर विवादित टिप्पणी की है। भाजपा ने जिसे शर्मनाक बताया है और ममता बनर्जी से टीएमसी नेता को बर्खास्त करने की मांग की है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। टीएमसी नेता अखिल गिरी की अभद्र टिप्पणी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लुक पर दिया विवादित बयान। हमारी राष्ट्रपति कैसी दिखती है, ये कहकर किया राष्ट्रपति का अपमान। भाजपा ने बताया इसे बेहद शर्मनाक। अखिल गिरी को बर्खास्त कर देने की उठी मांग। पश्चिम बंगाल के मंत्री और टीएमसी नेता अखिल गिरी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर विवादित टिप्पणी की है, जिसे बेहद शर्मनाक बताया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के नेता अखिल गिरी ने देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर अपमानजनक टिप्पणी की है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल उन्होंने नंदीग्राम में कहा, हम किसी को उनकी शक्ल से नहीं आंकते, हम भारत के राष्ट्रपति का सम्मान करते हैं, लेकिन हमारी राष्ट्रपति कैसी दिखती है। भाजपा नेता अमित मालवीय ने इस बयान को शर्मनाक बताया और कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आदिवासी हैं और उनके मंत्री के बयान से मालूम पड़ता है कि सीएम ममता बनर्जी और उनकी पार्टी आदिवासियों के विरोधी है। हालांकि ममता बनर्जी की तरफ से अभी तक इस पर कोई बयान नहीं आया है, तो वहीं अखिल गिरी के बयान पर विवाद बढ़ने के बाद वो अपने बयान से पलट गए। उन्होंने कहा कि मैंने किसी का नाम नहीं लिया। लगातार कटुक्ति करार फले आमी वयस्क मानुष, आमार एकटा क्रोध जन्मे छिल, तो सेई आजकेर नंदीग्रामेर प्रतिबाद सभाय दाड़िये आमी सेई क्रोधेर फले আমি যে মন্তব্য করেছি, আমি কোন রাষ্ট্রপতি মহোদয়াকে কোন অসম্মান করিনি, তার প্রতি শ্রদ্ধা, অগাধ শ্রদ্ধা আছে, ওনার প্রতি আমার অগাধ শ্রদ্ধা আছে, কিন্তু আমারই যে কথা আমার মুখ থেকে বেরিয়েছে সে কথা ক্রোধের বশে আমার মুখ ফুকসে আমার সেই কথা বেরিয়ে এসেছে, তার জন্য আমি অনুতপ্ত। तो उधर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री अखिल गिरी पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से अपनी मंत्री को तुरंत बर्खास्त कर देश से माफी मांगने की मांग की है। उन्होंने कहा कि ये आश्चर्य वाली बात है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद एक महिला है, फिर भी उनके मंत्री देश की महिला आदिवासी राष्ट्रपति के ऊपर इस तरह की अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। उन्होंने ममता बनर्जी से देश से माफी मांगने की मांग करते हुए कहा कि ममता बनर्जी खुद सामने आकर ये स्पष्ट करें कि उनके मंत्री किसी के कहने पर महिला आदिवासी राष्ट्रपति को अपमानित कर देने वाला बयान दिया है। देश के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के ऊपर में जिस तरीके से अभद्र टिप्पणी की है वह निंदनीय है और दुर्भाग्यपूर्ण है। आश्चर्य की बात यह है कि पश्चिम बंगाल की सरकार, ममता बनर्जी की सरकार, जो स्वयं एक महिला मुख्यमंत्री है और उसके मंत्रिमंडल के सदस्य खुलेआम तरीके से देश के महिला राष्ट्रपति, ट्राइबल प्रेसिडेंट के ऊपर में, आदिवासी राष्ट्रपति के ऊपर में इस तरह का अभद्र टिप्पणी, जिस टिप्पणी को चाहे जितनी भी निंदा की जाए वो कम है, और इससे यह बात स्पष्ट रूप से झलकती है कि पश्चिम बंगाल की सरकार इस देश के 10.5 करोड़ जनता, आदिवासी जनता की भावनाओं को आहत किया और देशवासियों को
देश के लोकतांत्रिक परंपराओं को लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन किया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर अखिल गिरी के इस विवादित बयान पर ममता बनर्जी का क्या कहना है और आखिर कब तक इस तरह के विवादित बयान देने वालों पर लगाम कसी जाएगी। पश्चिम बंगाल के मंत्री और टीएमसी नेता अखिल गिरी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर विवादित बयान किया है तो जाहिर सी बात है भाजपा को इस पे आपत्ति होगी ही होगी। अब इस पे क्या ममता बनर्जी एक्शन लेती हैं ये देखने वाली बात है। फिलहाल हमारी खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार।